मेरी आप सबसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, जितने भी यूट्यूब के क्रिएटर्स हैं, अरे भाई साहब इनके साथ में खड़े हो जाओ, क्योंकि अगर आज आप खड़े नहीं हुए तो कल आपके साथ में कोई खड़ा नहीं होगा। कोई भी आकर के आपके अगेंस्ट केस करेगा, ना आपके साथ में पब्लिक खड़ी होगी, ना आपके साथ में कोई क्रिएटर खड़ा होगा। हेलो गाइज, मेरा नाम है मिस्टर प्रोटोन। चलिए एक बार फिर से आज बात करते हैं श्वेताप गेंगवार के बारे में। कल संदीप माहेश्वरी ने श्वेताप गेंगवार को अपने शो पर भी बुलाया था, उनकी प्रॉब्लम जानने की कोशिश की और उसका सॉल्यूशन भी दिया कुछ। पहले तो आपको बता दूं कि ये मैटर है क्या एक्चुअल में। ये जो जनाब है इनका नाम है प्रखर गुप्ता, प्रखर के प्रवचन के नाम से इनका एक यूट्यूब एक चैनल है। तो एक्चुअल में क्या कि श्वेताप गेंगवार ने एक रोस्ट वीडियो बना दिया प्रखर के प्रवचन पे, और इस बात पर प्रखर गुप्ता ने श्वेताप गेंगवार के खिलाफ 2 करोड़ का मानहानि का केस कर दिया। अब इस प्रखर गुप्ता ने न सिर्फ श्वेताप गेंगवार के खिलाफ केस किया बल्कि संदीप माहेश्वरी के खिलाफ भी केस कर दिया। अब संदीप माहेश्वरी के खिलाफ इसलिए केस कर दिया क्योंकि इन्होंने इस 26 साल के लड़के को छोटी बच्ची कह दिया, और छोटी बच्ची कहने पर ये बुरा मान गया और संदीप माहेश्वरी के खिलाफ भी 2 करोड़ का केस कर दिया। भाई अजीब आदमी है। तो ऐसे तो कल राह चलते अगर इस पर कोई कुत्ता भौंकते तो उस पर भी केस कर देगा, यानी उसके मालिक पे केस कर देगा कि आपके कुत्ते ने मुझे भौंका। ये क्या बात हुई भाई, क्योंकि यूट्यूब पे रोस्टर की एक अलग अपनी कम्युनिटी और ये अलग अलग शख्स पे वीडियोस बना दे रहते, तो ऐसे में रोस्टर का करियर तो खत्म ही हो जाएगा ना। पहले तो संदीप माहेश्वरी सुनिए कि श्वेताप गेंगवार के लिए क्या कह रहे हैं। आज हमारे साथ में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, उनका नाम है श्वेताप गेंगवार। ये एक पॉपुलर यूट्यूबर है और एक ऑथर है, लेकिन आज ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है जिसकी वजह से हमारी टीम ने इनको इन्वाइट किया है। प्रॉब्लम यह है कि एक 26 साल का लड़का है जिसको मैं प्यार से छोटी बच्ची बोलता हूँ, उसने ना सिर्फ मुझ पर बल्कि इन पर भी 2 करोड़ का केस फाइल किया है। किस प्रॉब्लम के कारण इनको यह बुलाना पड़ा? तो इस पूरे मैटर में ऑलमोस्ट सारे यूट्यूबर्स फिलहाल श्वेताप गेंगवार के साथ में हैं, और फिलहाल इस टाइम प्रखर के प्रवचन यानी प्रखर गुप्ता का कोई साथ दे नहीं रहा, और फिलहाल इनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की बात कर रहे तो वो भी तेजी से घट रहे। आप देख सकते हैं कि कुछ टाइम पहले इसके 98.6 के सब्सक्राइबर थे, अब भी रह गए 98.2, मतलब करीब 6,000 फॉलोअर्स का यहाँ पर नुकसान भी हुआ है, यानी कि इसकी पॉपुलरिटी तो डाउन हो रही है, क्यों ना होगी अगर काम ऐसे करेगा तो। वही संदीप माहेश्वरी ने कहा कि अगर आप ये केस हार जाते हैं श्वेताप गेंगवार के लिए तो 2 करोड़ रुपए वो खुद देंगे इस बात के लिए। अब वर्स्ट केस सिनेरियो पकड़ लो कि अगर आप ये केस हार भी जाते हो तो मैं कमिट करता हूं कि आपको 2 करोड़ रुपए नहीं देना है, वो 2 करोड़ रुपए मैं दूंगा। वैसे ऐसा कुछ होगा नहीं, अगर होता है तो 2 करोड़ रुपए वो खुद देंगे, तो इतनी बड़ी बात संदीप माहेश्वरी ने कह दी, मतलब बड़े दिल वाला आदमी है। हम सबको मोटिवेट तो करते ही है, लेकिन इस दुख दर्द की घड़ी में भी साथ रहता है हमेशा, और साथ हो भी क्यों ना हो, क्योंकि प्रॉब्लम ही ऐसी है। क्योंकि ना सिर्फ इस शख्स ने 2 करोड़ का केस किया बल्कि जो श्वेताप गेंगवार है उनकी माँ कैंसर की लास्ट स्टेज से जूझ रही है, तो ऑलरेडी वो प्रॉब्लम में और फिर ऊपर से 2 करोड़ का केस, तो ये डबल प्रॉब्लम होगी उनके लिए। तो इसलिए संदीप माहेश्वरी उनके साथ आए। वही मिक पेट श्वेताप गेंगवार के साथ आए, उन्होंने कहा कि हम सभी यूट्यूबर्स को सीरियसली इनके साथ स्टैंड अप होना चाहिए क्योंकि ये सारे क्रिएटर्स के लिए एक बिग इशू है अगर श्वेताप ये केस हार जाता है। वही स्लाई पॉइंट ने लिखा कि हम श्वेताप गेंगवार को काफ़ी टाइम से देख रहे जब हम बच्चे थे और उनके वीडियो हार्ड टाइम में लोगों की हेल्प करते थे, तो ऐसे में हम सबको इनके साथ खड़ा होना चाहिए। खैर संदीप माहेश्वरी ने न सिर्फ इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया, उन्होंने प्रखर गुप्ता के लिए बड़ी बात कह दी, अगर वो ये केस विड्रॉ करते हैं और उनके सारे वीडियोज हटा देते हैं तो वो उनका साथ भी देंगे इन फ्यूचर, और वो शख्स को अपने यहाँ कोलैब के लिए भी बुलाएंगे अगर वो सब कुछ भूल जाता है तो काफ़ी बड़ी बात कह दी संदीप माहेश्वरी ने। मेरे माइंड में इसका एक सोल्यूशन है, आप बताना अगर आपको ठीक लग रहा है तो, कि आपने हमारे ऊपर केस किया है तो आप हमारी ये वीडियोस हटवाना चाहते हो, तो कोई बात नहीं, हम अपनी वीडियोस हटाने के लिए तैयार हैं। आई थिंक आप भी हटाने के लिए तैयार हो। मेरे को काम करना है। काम करना है, आप भी हटा दो तो हम अपनी सारी वीडियोस हटा देंगे, सारे पोस्ट हटा देंगे। आप भी भाई साहब अपनी सारी जो वीडियोज़ हैं और जो सारे पोस्ट हैं वो हटा दीजिए, इस केस को विड्रॉ करिए। उसके बाद में ना आप हमारे बारे में कुछ बात करोगे ना हम आपके बारे में कुछ बात करेंगे, आप अपने काम पे ध्यान दो, हम लोग अपने काम पे ध्यान देंगे। उसके बाद में अगर आप अपना काम अच्छे से करते हो तो हो सकता है फ्यूचर में हमारी टीम आपको इनवाइट करेगी यहाँ पर आने के लिए, और फिर हम साथ में बैठेंगे, बात करेंगे पुरानी बातों को भूल करके, ऑडियंस को क्लियर करके कि हमारी पास में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो सब क्लियर हो गई है, एक नए सिरे से एक नई शुरुआत करेंगे। खैर देखना क्या होता आगे, मुझे पूरा विश्वास है कि ये सच जरूर झुकेगा। वैसे इसको झुकना ही है क्योंकि 2 करोड़ का केस जीतना भी छोटी मोटी बात नहीं। फिलहाल वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।